उन्नत कृषि द्वारा ज्यादा उत्पादन प्राप्त करने हेतु फसलों में सुरक्षित तरीके से पीड़क नाशियों का प्रयोग एक अति महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका सामान्यतः कृषक भाई अनजाने में पालन नहीं करते। कृषक भाइयों को इस विषय में जागरूक करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर विभिन्न माध्यमों से लगातार प्रयास करता रहता है और यह वीडियो भी इसी क्रम का एक हिस्सा है। पेस्टिसाइड यानी पीड़क नाशियों का प्रयोग करते समय सुरक्षा सावधानियों का महत्व। पीड़क नाशी पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण होते हैं जिनका उपयोग कीटों, बीमारियों, खरपतवारों एवं अन्य को रोकने, नियंत्रण करने या मारने के लिए किया जाता है। फसल उत्पादन में कीटों, बीमारियों तथा खरपतवार इत्यादि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पीड़क नाशियों का प्रयोग होता है, जैसे कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, पादप नियामक आदि। पीड़क नाशियों के अनुशंसित मात्रा का यदि सावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं किया जाए तो यह लाभ की जगह मनुष्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ज्यादा रसायन पर्यावरण की दृष्टि से विषाक्त और नुकसानदायक हो सकते हैं। पीड़क नाशियों के सीधे संपर्क में आने से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जठरांत्रीय, न्यूरोलॉजिकल, तंत्रिका संबंधी, कार्सिनोजेनिक, श्वसन, प्रजनन और अंतःस्रावी प्रभाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं। पीड़क नाशियों का सीधे त्वचा के संपर्क में आने से खुजली या सांस लेने संबंधी समस्या हो सकती है। वर्तमान में किसान बिना सुरक्षा एप्रन पहने एवं अपने शरीर के अंगों को बिना ढके सीधे पीड़क नाशियों के संपर्क में आकर उपयोग कर रहे हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। मैं सुभाष चंद्र पटेल, बरोदा से हूँ मैं भैया। अच्छा, आपको छिड़काव करते समय कुछ तकलीफ हुआ था? हाँ, तुरंत ही दवाई डालने से काला चेहरा हुआ था। हाँ? और आँख में बुखार आ गई। पूरी चली गई है। पूरी चली गई। कहाँ गया था आपको? एक महीना दवाई करवाया हमने। अच्छा, एक महीने दवाई कराया, ड्राप ड्राप। अच्छा, ये छिड़काव करते समय कहाँ का आपको जलन जैसे फील हुआ था? खेत में। हाँ? तो चेहरा भी काला। हाँ? और आँख भी लाल खून जैसे आँख हो गई। अच्छा, लाल खून जैसे आँख हो गया था। खून जैसे आँख। अच्छा, खून जैसे आँख हो गया था। पर एक महीने का आप इलाज कराया? इलाज करा है। अच्छा, तो ठीक है। अभी भी आपको तकलीफ होता है? अब नहीं हो रहा है। अच्छा, अब नहीं हुआ है। और क्या छिड़काव करते समय आप पानी वगैरह पीते हैं? पानी पीता हूँ, अब खाना नहीं खाता। अच्छा, खाना नहीं खाता के बाद खाता हूँ खाना। अच्छा, पानी वगैरह पीते हैं? पानी पीते छिड़काव के बीच में ही। हाँ। अच्छा, ये छिड़काव के बीच में हम लोग को जो पानी वगैरह पीने की वजह से हमारा शरीर के अंदर में रसायन वगैरह चला जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, अभी तो नहीं है। आप क्या जो छिड़काव करते समय पूरा अपने आप को ढकते हैं, सेफ्टी एप्रन वगैरह पहनते हैं? नहीं, मास्क भर लगाते हैं और एक गमछा। हाँ। सिर पे बांध लेते हैं धूप के से। अच्छा, बाकी कुछ नहीं पहनते? या शूज पहनना? शर्ट ही पैंट बस। अच्छा, हाथ में ग्लोव्स वगैरह पहनते हैं? नहीं, ऐसे नंगा हाथ में जो है दवाई वगैरह मिलाना सब कुछ वगैरह काम करते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि हम लोग को छिड़काव करते समय ये सब कुछ वगैरह पहनना है? हाँ जी, पता है, लेकिन अब मिल नहीं रहा था, आपको कहाँ से पहनना बता दीजिए। अच्छा जी, सुखदेव प्रसाद पटेल, बरोदा। बरोदा से जी। जी, आपको छिड़काव करते समय क्या तकलीफ हुआ था? तकलीफ यही हुई थी, खुजलाहट हुई थी। कहाँ कहाँ हुआ? जी, चेहरे में हुई थी। चेहरे में हुई जी। अच्छा, क्या छिड़काव करते समय आप सेफ्टी एप्रन वगैरह पहनते हैं? नहीं, खुला रखा था। अच्छा, खुला रखा था जी। खुला ही छिड़काव करते हैं आप? अच्छा, जो हम लोग को खुला छिड़काव करने की वजह से जो रसायन है हमारे शरीर के अंदर पे चले जाएगा, इसका बारे में जानकारी है आपको? नहीं। अच्छा, नहीं है। लेकिन हम लोग को ये महत्वपूर्ण है, जब भी पेस्टिसाइड को करते हैं, केमिकल को यूज़ करते हैं, अपने आप को सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करना और सेफ्टी एप्रन को पहनना। जी। ये सब कुछ नहीं करेंगे जो रसायन हमारे शरीर के अंदर पे चले जाएगा वो स्वास्थ्य संबंधी समस्या को पैदा करेगा, इसलिए हम लोग को ये रेगुलेशंस को फॉलो करना अति आवश्यक है जी। सुरक्षा एप्रन पहने बिना पेस्टिसाइड का प्रयोग छिड़कावकर्ता के लिए खतरनाक है। आमतौर पर देखा जाता है कि किसान बफर घोल तैयार करने में अथवा अपने खेतों में पीड़क नाशियों का छिड़काव करते समय
संस्तुत दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। वे खुले शरीर में रसायन का इस्तेमाल करते हैं और छिड़काव के दौरान धूम्रपान, खाद्य पदार्थ एवं जल का सेवन इत्यादि करते हैं। फलस्वरूप रसायन का त्वचा से सीधा संपर्क होने के साथ साथ खाद्य पदार्थों के साथ पेट में एक श्वास के साथ शरीर के अंदर जाकर गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा होने की संभावना होती है। अतः पीड़क नाशी को इस्तेमाल करते समय बरती जाने वाली सावधानियां और सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। सुरक्षा एप्रिन यानी वस्त्र पहनना, बफर घोल तैयार करना एवं इसे साफ पानी में मिलाना, पीड़क नाशी प्रयोग का सही तरीका और छिड़काव करते समय बरती जाने वाली सावधानियां, खाली पीड़ित नाशी बोतलों और कंटेनरों का निस्तारण और स्प्रेयर सुरक्षा एप्रिन और स्वयं की साफ सफाई, पीड़क नाशी रसायनों और स्प्रेयर का सही स्थान पर भंडारण।